कई दशकों से जारी है मोदी ग्रुप की मनमानी, बेबस असहायों का हक देने में आनाकानी, दाने दाने को मोहताज है मजदूरों का परिवार, घर में कोई नहीं बुजुर्ग कैसे करे रोजगार, मोदी ग्रुप ने मरने पर कर दिया मजबूर। मोदी ग्रुप के लिए काम करने वाले लोग दशकों से पल पल करके मर रहे हैं, कई लोग इंसाफ मिलने तक का इंतजार करते करते मर गए, जो जिंदा है वो भी ना उम्मीद है, मरते मरते इनको हक मिल जाए ऐसी उम्मीद भी नहीं। स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की दर्द भरी दास्तां हजारों है, लेकिन सुनने वाले उंगलियों पर हैं, जिसमें लोकल वोकल की टीम है, जिस घर में पुरुष हैं उनका तो जैसे तैसे काम चल रहा है, लेकिन जिन घरों में सिर्फ महिलाएं हैं वो भी बुजुर्ग, वो कैसे करें, वो क्या करें? किसी को चलने फिरने में दिक्कत है तो कोई दूसरे के सहारे के बिना एक कदम चल भी नहीं सकता, किसी की आंखें पथरा गई हैं, किसी की आंखों से पानी निकल रहा है, लेकिन जिसे पानी पानी होना चाहिए वो पानी में कुछ और ही मिला रहा है। मोदी ग्रुप की बेरुखी और मजदूरों की मजबूरी का आलम क्या है, आज हम उस बुजुर्ग महिलाओं की जुबानी सुनाएंगे जिनके आगे पीछे सालों से कोई नहीं। चारपाई पर बैठे इस महिला को देखिए, नाम रूपवती है, जिंदगी से लड़ रही है, फैक्ट्रियों से निकल रहा जहर इनकी जिंदगी को भी बर्बाद कर चुका है, पति नहीं है, कोई पेंशन भी नहीं है और बीमारियां इनके पास अलग से हैं। बस सामने ये बात आवे बाजे दिन भैया बैठना बाहरी हो जाओ मैं तो जी हाँ तो कभी इंगे तिंगे डोलेंगे कभी भीतर घुसेंगे तब भी बात आती भीतर ही कब बचेगी। हाँ तो ये आपके सर में ये क्या एलर्जी है रे, ये बहुत एलर्जी हो गई। रूपवती को सुना आपने, किस कदर परेशान है लेकिन हंसना नहीं भूली है, शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। रूपवती के साथ ही एक और महिला है जिसका नाम संतोष है, पति को गुजरे लगभग 14 साल हो चुके हैं, पैर से भी लाचार है, वो तो रिश्तेदारों ने ठीक करा दिया लेकिन जब बात खर्चे की आई तो वही बेबसी और लाचारी जिसे मोदी ग्रुप ने हजारों परिवारों को दे रखा है। 14 साल तो है होंगी, नहीं तो हो रही है। तो गुजर बसर कैसे चलती है आपकी? अब भैया ऐसे ही है, गुजर गुजर तो भैया अपने आप ठेली पे, मैंने तो अपने ठेली करी बेटा, पांव भी टूटेगा मेरा, अब ऐसे ही बेटा रिश्तेदार ने मेरा पांव पांव सही करवा दिया, अब कुछ होता ही ना बाबू, अब ऐसे ही भैया बालकन की टिन्ने टिन्ने करवे को कोई, इनने कोशिश भी करी बड़े लोना लगवे की कौ ने सुनवाई ना करी। अब इन अम्मा को देख लीजिए, नाम राजबाला है और जब पति के साथ मोदी नगर में आई थी तो कई सपने थे लेकिन मोदी ग्रुप ने सभी सपनों को सत्यानाश कर दिया। इनके पति की मौत करीब 25 साल पहले हुई थी और अब ये बिल्कुल अकेली हैं, खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है, हर महीने इनके पास 1,000 रुपये आते हैं लेकिन मोदी ग्रुप से एक फूटी कौड़ी भी नहीं आती। आपके हस्बैंड स्टील फैक्ट्री में काम करते थे? अभी है वो? अजय ना 25 साल हो गए भैया हमारे यहाँ। अच्छा तो अभी आप यहाँ पर अकेली रहती हैं? हाँ। तो गुजारा कैसे चलता आपका? भैया 1,000 रुपये मिल रहा, कुछ होता नहीं, चोरी के है भाई, जो उनकी बात है। तो आपको स्टील फैक्ट्री से कोई पैसा वगैरह कुछ मिला हो? ना भैया। कोई उम्मीद है आपको किसी से? ना भैया, पर मकान ले लिया मैंने तो कहाँ तक काटी जब मेरे घर में नहीं। इन बस्तियों में रहने वाली और कई ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अकेले जीवन यूं ही गुजारने को मजबूर हैं। अब सोचिए इस महंगाई के युग में जिनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं, वो अपना जिंदगी कैसे गुजारे हैं? फिर भी भगवान भरोसे जिंदगी चल रही है, वरना मोदी ग्रुप ने तो इन्हें मरने को छोड़ दिया है। दर्द पुराने काफी हैं क्योंकि खबर अभी भी बाकी है। देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़।